गड़कड़डूमा और आप देख रहे हैं भीम आर्मी का जो रथ, जो संविधान प्रतिया पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में बांटी जानी है उसके लिए भीम आर्मी ने कमर कस ली है। और आप देख रहे हैं गड़कड़डूमा से मनोज अंतानी समता आवाज टीवी चैनल पर लाइव। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, संविधान की पूरे देश में दिल्ली से शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? हम दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं और ये संविधान की पूर्ति पूरे देश में पहुंचाएंगे और संविधान जागरूकता अभियान पूरे देश तक घर घर तक लेकर जाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम आर्मी। धन्यवाद। ये थे मनोज सम्राट जी। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रचारक राहुल नागपाल जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये जो मुहिम दिल्ली से चली है कहाँ थमेगी ये मुहिम जाकर। मनोज जी, आज ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जो दिल्ली यूनिट है, भाई सुरजीत सम्राट जिसके प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में, दिल्ली आर्मी दिल्ली की जो यूनिट उसके नेतृत्व में ये आज दिल्ली के कड़कड़डूमा गांव से जो है इसको भीमारम माने हीरालाल जो पूर्व आईएएस हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, दिल्ली प्रदेश प्रभारी भाई सुरजीत सम्राट और मैं खुद, हम लोग और बाकी समाज के अन्य बहुत सारे साथी यहाँ पर आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माला चढ़ा करके इसका भीमारम्भ किया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरी लोकसभा के पदाधिकारी उमड़े हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस गाड़ी को भी अपने दर्शकों को दिखाएं। ये गाड़ी है जो बनाई गई है, यहाँ से आप देखेंगे इसको, ये सातों लोकसभाओं के प्रभारी हैं। भाई चंद्रशेखर की फोटो है, बाबा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, आप ये देखेंगे। ये गाड़ी को इस तरीके से बनाया गया है, सुरजीत सम्राट जो हमारे प्रभारी हैं, मेरा फोटो भी इन्होंने लगाया है। ये पूरे फिर हमारे जो केंद्र उसकी दिल्ली प्रदेश की टीम है उनके फोटो हैं। ये आप देखेंगे ये इस तरीके से बनाया है इन्होंने, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया अंतानी जी। ये आप इन्होंने पीछे पूरे महापुरुषों की फोटो लगाई है, फिर भीमार्मी भारत एकता मिशन संपर्क सूत्र सबके इन्होंने लगाया। कहीं ना कहीं आप इसको देखेंगे तो लगेगा आपको कि हाँ, समाज भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो इस देश के अंदर संविधान बदलने के लिए लोग आए थे, आज वही लोग जो है कुछ लोग यहाँ पर संविधान को बचाने का काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन कर रही है। और जब ये 7 दिन तक 70 लोकसभाओं की 70 विधानसभाओं में रहेगा जाएगा तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक मैसेज कन्वे होगा यहाँ से जाएगा कि जो लोग ये कहते थे कि हम भारतीय संविधान को बदलने के लिए आए हैं, भारतीय संविधान को जलाया गया जिस दिल्ली के अंदर, उसी दिल्ली के अंदर संविधान की यात्रा आज यहाँ से निकाली जा रही है। धन्यवाद राहुल जी। राहुल जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी है। और अब चलते हैं सीधा मंच की तरफ जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर सुजीत सम्राट भीम आर्मी प्रदेश प्रभारी दिल्ली निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर। सुजीत जी क्या कहेंगे आज के इस बारे में? हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी भी हैं। सर, पहले आप इसे शुरू करेंगे। अच्छा, संपूर्ण देशवासियों, क्रांतिकारी जय भीम जी। पूछे क्या पूछना है सर? ये जो दलितों की आग है संविधान वितरण से शुरू होकर कहाँ तक थमेगी? दिल्ली से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बुद्ध की जमी है, भीम आर्मी बुद्ध को फॉलो करती है और ये बुद्ध की ही जमी है और भीमा कोरेगांव की भी जमी है, भीम आर्मी युद्ध को भी फॉलो करती है। दूसरी चीज़, जाएगी कहाँ तक सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सबसे पहला चाटा उन लोगों के मुंह पर मारा जा रहा है जो संविधान को बार बार बदलने की बात किए जा रहे हैं। ये चाटा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने इस दिल्ली के अंदर भारतीय संविधान को जलाने का काम किया है। और इसकी जाने वाली जो है कि ये यात्रा कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, माननीय सुजीत सम्राट और दिल्ली की पूरी कमेटी जिसने ये जिम्मेदारी ली है पूरे भारत के कोने कोने तक अब संविधान यात्रा चल पड़ी है। और ख़ास तौर से बहुजन समाज के प्रत्येक बच्चे को संविधान में इतना निपुण करना है कि आगे से जब कोई संविधान की तरफ आवाज़ उठाए तो उसको इस देश की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। यही काम हम सब लोग पूरी ताकत से कर रहे हैं। संविधान यात्रा अब दिल्ली से होकर के पूरी दिल्ली घूमेगी, फिर देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचेगी। मैं आभारी रहूंगा दिल्ली के साथियों का जिन्होंने काम शुरू किया है। धन्यवाद सुजीत जी। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि संविधान जागरूकता अभियान चल गया है, पूरी दिल्ली में जाएगा और समय समय पर हम बताते रहेंगे आपको, पूरी दिल्ली में हम जागरूक करेंगे लोगों को। ठीक है, अभी थोड़ा लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा और आगे जाना। हाँ, समता आवाज की टीम लगातार 7 दिन इस कारवा के साथ रहेगी और पल पल की खबर आपको लाइव समता आवाज टीवी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। संविधान सम्मान यात्रा भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में ये गाड़ी पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्र में घूमेगी और हर उस व्यक्ति को भारत का संविधान
दिया जाएगा। आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी चैनल से कड़कड़ डूमा कोर्ट अंबेडकर पार्क से हजारों की संख्या में भीम आर्मी आज इकट्ठा हुए हैं और ये इस कारवे को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। हरी झंडी इसको दिखा दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन स्वयं साथ में हैं, हमारे साथ रमेश चंद्रा जी भी हैं जो प्रभारी हैं दिल्ली के। रमेश जी क्या कहेंगे आज इस शुभ मौके पर? आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में भारतीय संविधान जागरूक अभियान निकाल रहे हैं, तो ये 70 के 70 विधानसभाओं में जाएगी। आज पूर्वी ईस्ट दिल्ली लोकसभा में है, ये 10 विधानसभाओं में आज हम लोग घूमेंगे, समाज में ही खाएंगे, समाज में ही बैठेंगे, समाज में ही सोएंगे। और ये संविधान जागरूक अभियान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मनुवादियों की सोच है वो मनुवादियों की सोच ऐसी है कि उस संविधान को बदलने की या संविधान को फाड़ने की या संविधान को जलाने की जो प्रक्रिया चल रही है उनको हमने ये संविधान दिल्ली के घर घर क्या देश के कोने कोने में घर घर में पहुँचाना है, उनको बताना है कि संविधान के राइट क्या हैं और संविधान में क्या धाराएं हैं और संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। महिलाओं से भी बात करेंगे, आप बताएं कि संविधान क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए जो भारत की आबादी है आधी आबादी महिलाएँ, उनका शोषण हमेशा ही हुआ है और संविधान ये व्यवस्था करता है कि महिला कुछ अलग नहीं है, उनको भी समानता का अधिकार दिया गया है जिसको ख़त्म कर दिया गया है। हम उन्हें सब महिलाओं को जागृत करेंगे कि तुम कम नहीं हो, तुम्हारी शक्ति भी पुरुषों के बराबर है, संविधान में लिखा हुआ है। उस संविधान को उन महिलाओं को समझिए, अपनी ताकत को समझिए। आप आधी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो क्योंकि मातृशक्ति हो, ये पुरुष वर्ग भी आपकी देन है। इसको बहुत प्यार करो, इसको बहुत सम्मान दो और अपने सम्मान की रक्षा करो संविधान की। जय संविधान, जय संविधान। और मैं भी कुछ बताना चाहूँगा, हमारा जो भारतीय संविधान है, आज उन मनुवादियों को मैं एक संकेत देना चाहता हूँ जो भारतीय संविधान की वजह से आज वो पार्लियामेंट या विधानसभा में बैठे हुए हैं। भारतीय संविधान की वजह से जो स्वर्ण की महिला हैं, भारत के संविधान की वजह से ही उनको ये हक मिला, ये अधिकार मिला है। आज जो डॉक्टर आईएएस पीसीएस जो महिलाएं हैं स्वर्ण समाज की, जो संविधान को जलाने की बात करते हैं, तो मैं उनके लिए भी संकेत देना चाहता हूँ। इस संविधान की वजह से आज उनको बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, तो ये संविधान की सभी लोग जो है रक्षा करें। और जो संविधान हमारे संविधान की तरफ उंगली उठाया गया, हमारा पवित्र ग्रंथ है, हमारी ये संविधान हमारे लिए सब कुछ है, तो हम उसकी हाथ भी उतारने का काम करेंगे, उसकी गर्दन भी उतारने का काम करेंगे और संविधान से ही हम चलते हैं, संविधान से ही चलते रहेंगे। जय भीम जय भारत। साथियों सभी को जय भीम। मैं बताना चाहूँगा भारतीय संविधान के बारे में, जो भीम आर्मी के तत्वाधान में पूरे दिल्ली प्रदेश में 7 लोकसभाओं में संविधान वितरण का कार्य किया जा रहा है, संविधान जागरूकता अभियान चालू है। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से संविधान बनाया था, बड़ी मेहनत करके 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान बनकर तैयार हुआ था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके सभापति थे और उसमें 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में जो 6 मेंबर अपने चले गए थे, अकेले बाबा साहब पर जिम्मेदारी आ गई थी संविधान को बनाने की। बाबा साहब ने बनी मेहनत के साथ में ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाकर तैयार किया था। संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 पार्ट और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के भाग 3 में भारत के संविधान के अंतर्गत सभी मनुष्य को, सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, जो पहले 7 अधिकार थे लेकिन अब 6 अधिकार रह गए हैं संपत्ति के अधिकार को हटाकर। बाबा साहब ने सभी नागरिकों को, सभी भारत की जनता को बड़े समान अधिकार दिए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया। बाबा साहब ने सारे अधिकार इस संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं। हम इस माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं घर घर में एक संविधान होना चाहिए और संविधान के बारे में पढ़कर अपने मूल अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि प्रत्येक नागरिक को उसके मूल अधिकारों का शोषण ना हो सके, इसलिए अधिकारों की जानकारी बहुत जरूरी है। साथियों जब तक तुम्हारे अधिकारों की तुम्हें पता नहीं होगी तो लोग, मनुवादी लोग तुम्हारे अधिकारों का शोषण करते रहेंगे। इसलिए साथियों संविधान को घर घर में पढ़ना है, गीता महाभारत रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज साथियों पूरा देश भारतीय संविधान बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है, इसलिए संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान के 395 अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद संविधान का भारत के प्रत्येक नागरिक को याद होना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान लागू होते ही पूरे भारत देश की महिलाओं को, पूरे दलितों को, सभी ओबीसी माइनॉरिटी सभी लोगों को पूरे संविधान को अधिकार दिए हैं। जय भीम जय भारत। नमो बुद्धाय। साथियों भारत एकता मिशन जिंदाबाद। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष
मान्य यात्रा स्टार्ट कर दिया जी जी, हरी झंडी आप दिखाइए सर, यात्रा शुरू की जा रही है और हरी झंडी, जय भीम जय भीम। आप भी कुछ बताएं। आज से दिल्ली में नई शुरुआत हो रही है जिसके अंतर्गत हम दिल्ली की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि संविधान आपके लिए पढ़ना भी जरूरी है, उसको मानना जरूरी है, उसकी अकॉर्डिंग उसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जी झंडी विनय रतन जी गाड़ी को दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। बीएमआरवी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आज निकलने वाली इस भीम यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं पंचशील के झंडे से। माननीय विनय रतन भीम आर्मी प्रभारी दे रहे हैं, पीछे बेटा पीछे भी ध्यान रखना, आप देख रहे हैं कड़कल डुमा से लाइव समता आवाज के साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी गाड़ी को दे रहे हैं पंचशील से शुरुआत। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन संविधान के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में भीम आर्मी ने खाई है कसम घर घर संविधान पहुंचाने की। और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी दिल्ली प्रदेश प्रभारी माने सुजीत सम्राट को दे रहे हैं हरी झंडी, तमाम वो भीम आर्मी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आज एक लोकसभा पूरी की जाएगी भीम आर्मी की तरफ से जिसमें संविधान वितरित किया जाएगा, उसके बाद घर घर पहुंचाया जाएगा संविधान। आप बने रहे समता आवाज टीवी चैनल के साथ और मैं दिखा रहा हूँ कड़कड़ डुमा से आपको सीधा प्रसारण पंचशील के झंडे से शुरुआत दिल्ली की जमीन पर हो चुकी है। आप देख रहे हैं गाड़ी दूर जाती हुई दिख रही है। माननीय विनय रतन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने आज झंडी पंचशील की दिखा दी है और गाड़ी निकल चुकी है अपने नए कारवां की तरफ।